हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गडखरी निवासी युवक की हत्या कर शव तालाब किनारे फेंक दिया। हत्यारों ने पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा भी पानिया दिया। मंगलवार सुबह तालाब की तरफ गए ग्रामीणों शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पिता ने बेटे के गलत चाल चलन के कारण गांव के ही युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत 8-60 के मजरा गडखरी निवासी रामसहाय के दो बेटों और मुकेश ठहर भी बड़ा था। परिवार और पिता के अलावा दादी गंगा, एक बहन व भाई शिशुपाल है। मुकेश अविवाहित था, वह शराब का आदि था और चाल चलन भी सही नहीं था। इसी बात को लेकर अक्सर पिता से विवाद होता था। लगभग एक साल पहले अधिक विवाद होने पर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके कारण उसने खेत और झोपड़ी डाल ली थी। दादी से उसकी अच्छी बनती थी। दादी के बुलाने पर उसने फिर से घर आना जाना चालू कर दिया था। पिता से झगड़े के बाद करीब एक साल के अंतराल और कई बार वह कानपुर रिक्शा भी चलाने गया था। अक्सर वह कानपुर जाने के बारे और परिजनों को जानकारी नहीं देता था। करीब एक माह से वह गांव और ही था। पिता रामसहाय ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह धान काटने के लिए हंसिया लेकर घर से निकला था। इसके बाद से वह लापता था। बताया कि रविवार को वह खेत गया तो एक लाइन धान की कटी मिली और हंसिया पड़ा मिला था। इस पर यह सोचा कि शायद वह कानपुर चला गया है, इसके कारण उसकी खोज इस समय ही नहीं की। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे गांव के पूरब तालाब की तरफ शौच करने गए ग्रामीणों ने क्षत विक्षत शव देखा। इस पर लोगों की भीड़ जुट गई। रामसहाय भी घटनास्थल पर पहुंचा था। शव के ऊपर जैकेट पड़ा था जिस समय की पैंट घुटनों के नीचे तलक खिसकी थी। ज्वलनशील पदार्थ से चेहरे को पानी आया गया था। कपड़ों व हुलिया के आधार पर रामसहाय ने मृतक की पहचान बेटे मुकेश के तौर पर की। सूचना पर सीओ अभिनव यादव, एसओ जितेंद्र मोहन सरोज पहुंचे। घटना स्थल की पड़ताल के दौरान करीब 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे और मृतक की खून से सनी चादर और चप्पलें मिली। फोरेंसिक टीम के सदस्य मुकेश पांडे ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। सीओ ने मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की। मृतक के पिता ने गांव के ही अज्ञात युवकों पर बेटे को शराब पिलाने के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत 8-60 के मजरा गडखरी निवासी रामसहाय के दो बेटों और मुकेश ठहर भी बड़ा था। परिवार और पिता के अलावा दादी गंगा, एक बहन व भाई शिशुपाल है। मुकेश अविवाहित था, वह शराब का आदि था और चाल चलन भी सही नहीं था। इसी बात को लेकर अक्सर पिता से विवाद होता था। लगभग एक साल पहले अधिक विवाद होने पर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके कारण उसने खेत और झोपड़ी डाल ली थी। दादी से उसकी अच्छी बनती थी। दादी के बुलाने पर उसने फिर से घर आना जाना चालू कर दिया था। पिता से झगड़े के बाद करीब एक साल के अंतराल और कई बार वह कानपुर रिक्शा भी चलाने गया था। अक्सर वह कानपुर जाने के बारे और परिजनों को जानकारी नहीं देता था। करीब एक माह से वह गांव और ही था। पिता रामसहाय ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह धान काटने के लिए हंसिया लेकर घर से निकला था। इसके बाद से वह लापता था। बताया कि रविवार को वह खेत गया तो एक लाइन धान की कटी मिली और हंसिया पड़ा मिला था। इस पर यह सोचा कि शायद वह कानपुर चला गया है, इसके कारण उसकी खोज इस समय ही नहीं की। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे गांव के पूरब तालाब की तरफ शौच करने गए ग्रामीणों ने क्षत विक्षत शव देखा। इस पर लोगों की भीड़ जुट गई। रामसहाय भी घटनास्थल पर पहुंचा था। शव के ऊपर जैकेट पड़ा था जिस समय की पैंट घुटनों के नीचे तलक खिसकी थी। ज्वलनशील पदार्थ से चेहरे को पानी आया गया था। कपड़ों व हुलिया के आधार पर रामसहाय ने मृतक की पहचान बेटे मुकेश के तौर पर की। सूचना पर सीओ अभिनव यादव, एसओ जितेंद्र मोहन सरोज पहुंचे। घटना स्थल की पड़ताल के दौरान करीब 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे और मृतक की खून से सनी चादर और चप्पलें मिली। फोरेंसिक टीम के सदस्य मुकेश पांडे ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। सीओ ने मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की।
मृतक के पिता ने गांव के ही अज्ञात युवकों पर बेटे को शराब पिलाने के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।